कटनी जिला अस्पताल के नवनिर्मित भवन की प्रसूता वार्ड में लगी आग के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिला अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहा है और जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित मार्त एवं शिशु परिचार्य परिसर को बिना फायर एनओसी के शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, ये पूरी बात नगर निगम कमिश्नर सत्येंद्र धाकरे ने बताई है। कमिश्नर ने ये भी बताया कि फायर एनओसी के लिए जिला अस्पताल को कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है। वहीं कल रात जिला अस्पताल के नवनिर्मित मार्त एवं शिशु परिचार्य परिसर के प्रसूता वार्ड में अचानक शॉर्ट होने से आग लग गई थी। आग लगते ही पूरे परिसर के अंदर धुआं ही धुआं फैल गया और मरीजों और उनके परिजनों में भगदड़ मच गई। परिजन नवजात शिशुओं को लेकर इधर उधर भागते हुए नजर आए और इसकी सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। वहीं सभी सुरक्षित नवजात शिशु व प्रसव के लिए पहुंची महिलाओं को बाहर निकाला गया। खैर, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं जब इस जिला अस्पताल के नवनिर्मित मार्त व शिशु परिचार्य परिसर के अंदर लगी आग के मामले में नगर निगम कमिश्नर सत्येंद्र धाकरे से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के पास फायर एनओसी ही नहीं है, इसके बावजूद भी नवनिर्मित मार्त व शिशु परिचार्य परिसर भी शुरू हो गया है और कल प्रसूता वार्ड में अचानक आग लग गई। पीबीसी के लिए कटनी से ब्यूरो हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कल रात में जिला अस्पताल में हुआ था, वहाँ पर जिस तरीके से जो आग लगी है, तो अभी तक क्या प्राथमिक तौर पर क्या जांच की गई है नगर निगम द्वारा? नगर निगम द्वारा जैसे ही इसकी सूचना मिली, उससे पहले अपना फायर ब्रिगेड भेजकर आग को बुझाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया। इंदौर से हमने ऑडिट की टीम बुलाई है, आज शाम तक वो कटनी पहुंच जाएगी और इसकी पूरी जांच करके बताएगी इसमें क्या कमी रही। सर, इनको फायर एनओसी प्राप्त थी क्या? नहीं, फायर ऑडिट क्योंकि उनका हुआ नहीं था तो इसलिए फायर एनओसी अभी इनकी पेंडिंग थी, मतलब उनको फायर एनओसी अभी उनको मिली नहीं थी। तो इसके बाद भी इनके द्वारा ये अस्पताल संचालित लगातार करते आ रहे हैं, तो जैसे अभी बीच में भी एक मुहिम चली थी जिला अस्पताल का जबलपुर में भी थी, तो उनको बंद करने का आदेश थे, उसके बाद भी ये चालू थे, तो उसके लिए नगर निगम ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? नहीं, नगर निगम ने इनको नोटिस दिए थे, समय समय पर इनको नोटिस दिए गए कि आवश्यक सुधार करें और फायर ऑडिट करा के अपनी फायर एनओसी नगर निगम से प्राप्त करें। उनके द्वारा इस संबंध में प्रक्रियाधीन है उनके 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 स्तर पर भी, और कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के कारण नगर निगम ने उसकी एनओसी नहीं दी थी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।